ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। अतिक्रमण अभियान कल्पना टाकिस से आली की चुंगी तक 1,33,000 का फाइन किया गया। अतिक्रमण के लिए डॉक्टर एमडी अशरद की क्लिनिक को 21,000 का फाइन किया। सिटी मजिस्ट्रेट के सामने आवाम निदर्शन में कर्नल बीएस नेगी, प्रवर्तन अधिकारी दानिश नकवी, हवलदार प्रवीण, हवलदार विक्रम कुलशीद, थाना मंडी से सब इंस्पेक्टर पवन सिंह, उज्जवल कांस्टेबल पदम सिंह। अतिक्रमण हटाओ अभियान हमारा कल्पना टाकिस से आली की चुंगी तक चला है। ये हमने सुबह 11:10 पर शुरू किया था। मैंने सिटी मजिस्ट्रेट साहब से निवेदन किया था कि आज यहाँ पे करना है, एक हमारा प्रोग्राम भी आया है। उनके समन्वय से हमने और जिला प्रशासन के समन्वय से मिलकर के हमने यहाँ पे अभियान चलाया, जिसमें कि हमने SHO कुतुब शेर को भी फ़ोन किया था और थाना मंडी के भी, दोनों तरफ से हमें पुलिस बल भी मिला है। और इस अतिक्रमण के दौरान में इसका हमने शनिवार को अनाउंसमेंट खुद मैंने किया था। फाइन कितना कितना हुआ है और इसमें मुझे पूरा तो वही नहीं मालूम है, लेकिन ये जो अरशद, डॉक्टर अरशद है, उनको हमने 21,000 रुपये का फाइन किया है, क्योंकि इनका जनरेटर यहाँ पे काफ़ी जगह, सरकारी जगह घेर रहा है। साथ ही साथ हम उनको एक नोटिस भी जारी करेंगे ताकि वो यहाँ से उसको हटा दें। इस बीच में हाँ, हमने सारे में अनाउंसमेंट किया था। हमने सैटरडे को करीबन 2-2:30 के करीब मैं और मेरे साथ में अतिक्रमण अधिकारी जो हैं वो थे, और उसमें हमने 2 बार अनाउंसमेंट किया था आते जाते इस जगह पे कि अपना जो भी अतिक्रमण है उसको हटा दें, अन्यथा इसको नगर निगम यहाँ से लेके चले जाएगी सामान को और आपको आर्थिक दंड भी दिया जाएगा। इसके उपरांत में काफ़ी लोगों ने अपना सामान सड़क से या पटड़ी से या नाले से हटा दिया, उसके लिए मैं उन लोगों का धन्यवाद हूँ कि उन्होंने हमारी बात को माना। जहाँ कहीं ये त्रुटि रहेगी थी किसी से, उनको हमने फाइन आज लगा दिया है। और आगे मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से सहारनपुर की जनता को ये मैसेज जाए कि हमने जो है सड़क पे, नाले पे, नालों के ऊपर, सड़क के ऊपर या नालों जो सड़क के सामने दाएं बाएं में जो पटरी होती है उसमें किसी प्रकार का अतिक्रमण करने दें, न खुद करें, ताकि हमारी यातायात जो है आराम से बिना किसी रुकावट के चलता जाए और यहाँ के आम नागरिकों को कोई तकलीफ ना हो और हमारी स्मार्ट सिटी को बनाने में एक कदम आगे बढ़ते जाए। कितने चालान हुए? चालान का तो अलग अलग काटे हैं, मैं बता नहीं सकता। एक हज़ार एक से लिया था, 10,000 रुपये एक से लिया है, 5,000 रुपये एक से लिया है, दो से 1,000 रुपये लिया है हमने। डॉक्टर साहब का 21,000 रुपये का चालान किया गया। सर, लगभग शहर में जो अवैध पार्किंग अवैध रूप से बनी हुई है उन पर क्या कार्रवाई चल रही है? हमने जो है सिस्टमेटिक प्लान हमारा 29 सितंबर तक का हमको मिल गया है और 24 अक्टूबर तक का हमको इसमें मिल गया है। ये हमने पहले मेन रूट से जहाँ ज़्यादा यातायात का बहाव होता है वहाँ से हम जो है अतिक्रमण को हटा रहे हैं। धीरे धीरे हम जो है फिर साइड जो लेन्स हैं, स्ट्रीट्स हैं, वहाँ भी जाएंगे और मैं समझता हूँ कि ये माध्यम से लोगों को अभी पता चलता जा रहा है और वो काफ़ी मदद प्रशासन की हमारी कर रहे हैं। स्वयं भी अतिक्रमण को हटाने में हमारी आम नागरिक जो है हमारी सहायता कर रहा है, इसके लिए मैं सब लोगों को धन्यवाद दूंगा। सर, इसी रोड पे आगे चल के नाला पैलेस पार करके झुग्गियां बनाई हुई है, उन पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? हमारा उसका जो है अगला प्रोग्राम उसके लिए लिखा है, चरणबद्ध हम इस काम को कर रहे हैं ताकि जब हमारा अगला प्रोग्राम, हमारा ऑलरेडी हमने कहा 24 अक्टूबर तक हमारा प्रोग्राम निकल गया है, इसके बीच में हमें मालूम है आगे का भी हमारा अतिक्रमण हटाना है हमने, और जहां जो भी एरिया हमारे सहारनपुर के अंदर रह गए उनको भी हम उसके बाद नेक्स्ट क्रम में उनका भी रखेंगे। ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत।